एसएससी सीजीएल वालों, इतने वीडियो को डिसलाइक क्यों करते हो यार? ऐसा क्या गलत बोल दिया है ना? वीडियो को लाइक करना यार, ज्यादा ज्यादा डिसलाइक करके डिमोटिवेट मत करो। ओके, सो टॉप 11 का एक्सपेक्टेड कट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूँ इस बार लाइक का पलड़ा भारी होगा डिसलाइक से। सो लेट्स बिगेन। जो दोस्तों हमारी सबसे पहली पोस्ट है, हम बात करते हैं यू आर 555 नंबर किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। वो है दोस्तों आपकी पोस्ट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जो यू आर भाई बंधु बनना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 555 के स्कोर करना चाहिए। वही ओबीसी कैंडिडेट के लिए 546 नंबर परफेक्ट सेफ एंड सिक्योर होंगे। एससी की बात करूं तो 535 से 536 स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है सेंट्रल एक्साइज ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। एसटी के लिए 528 नंबर सेफ सिक्योर 100% पोस्ट आपकी होगी। वहीं पीएच कैटेगरी के लिए 520 नंबर मोस्ट मोस्ट सफिशियंट मार्क्स होने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ डिसलाइक नहीं किए होंगे, लाइक किए होंगे। ओके, और बिना स्किप किए हुए एंड तक की वीडियो देखेंगे तो बहुत ही रोमांचक और मजेदार लगेगा। और दोस्तों जीके का वो 3 घंटे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें 3,500 क्वेश्चन है, 3 घंटे में मैंने कवर किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है यूट्यूब में। ओके, और दोस्तों इसके साथ मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। यदि मैं बंदा अच्छा हूं गणेश कुमार गुप्ता, तो आप मेरे चैनल को प्यार से आहिस्ते से सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाना। तो दोस्तों यू आर 565 और ओबीसी 555, ये पोस्ट आपको दिलाएगी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की। जी हाँ, यदि आप यू आर वालों 565 नंबर और ओबीसी वालों 555 के स्कोर कर लेते हो तो ये पोस्ट आपको जरूर से जरूर मिलेगी 98%। वहीं एससी की बात करूं तो 546 नंबर सफिशियंट होंगे, एसटी के लिए 540 और पीएच वालों के लिए 535। ओके, इस वीडियो को खूब सारे दोस्तों में शेयर करके यार इस पे अपना फीडबैक लिया करो। क्यों नहीं शेयर करते हो? तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि 98% आपकी कट आप जाएगी। विश्वास नहीं तो शेयर करके देखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पोस्ट इज दोस्तों वो है इंस्पेक्टर पोस्ट। तो इंस्पेक्टर पोस्ट COMM बनना चाहते हैं आप, तो हम बता दें कि आपको यू आर में 559 तक का स्कोर करना चाहिए यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं। ओबीसी के लिए 551 के स्कोर सेफ होगा, एससी के लिए 540 तक का, और वहीं एसटी पीएच की बात करूं तो एसटी के लिए 532 और पीएच के लिए 525 तक आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट दिलाने में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने कितना स्कोर किया हमसे जरूर शेयर करिए और हम आपको अपना फीडबैक जरूर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जिसके लिए 549 स्कोर कर रहा है और ओबीसी में 542, तो ऑडिटर सीएजी बनना तय है 98%। ओके, तो यूआर में 549 और ओबीसी भाई बंधु के लिए 542 नंबर ला पाते हैं तो ऑडिटर सीएजी आप आराम से बन जाएंगे। एससी के लिए 530, वहीं एसटी के लिए 521 और पीएच के भाई बंधुओं को 515 का स्कोर सेफ सिक्योर माना जाएगा फॉर ऑडिटर इन सीएजी। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें घंटी के साथ। तो नेक्स्ट पोस्ट देख दोस्तों लेते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए सभी प्यारे हैं, वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, बस आप शब्दों का यूज ना करें वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इज यू आर के लिए 580 और 580 यदि आप यू आर में स्कोर करते हो तो आपके लिए एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है, पूरे पूरे 98% चांस है। सो ओबीसी के लिए 569 का स्कोर परफेक्ट होगा एग्जामिनर इंस्पेक्टर बनने के लिए और एससी के भाई बंधुओं के लिए 560 का स्कोर पर्याप्त होगा। वहीं एसटी के भाई बंधुओं के लिए 551 और पीएच भाई बंधुओं के लिए 542 का स्कोर बहुत ही परफेक्ट शानदार होगा। ओके, बात करते दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। तो दोस्तों आप यदि ये बनना चाहते हो, इस पोस्ट को चाहते हो, तो यू आर में आपको कम से कम 578 की स्कोर कर लेना चाहिए था और ओबीसी में 569। यदि इतना स्कोर कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वहीं एससी के भाई बंधुओं के लिए 560, पीएच के लिए 545 और एसटी के लिए 550 का स्कोर पर्याप्त सेफ एंड सिक्योर होगा फॉर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर 98% गारंटी के साथ। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, डिसलाइक तो आप वैसे ही कर देते हो जल्दी से, तो डिसलाइक मत करना यार, डिमोटिवेट क्यों करते हो? तो यदि आप किसी बात से सहमत नहीं होते हो तो कम से कम
अन्य दोस्तों में इसको शेयर करके फीडबैक लिया करिए, आपको सच का सच और पानी का पानी हो जाएगा। ओके, मुझे अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा है। ओके, पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जब से चैनल बनाया तब से ही कर रहा हूँ। ओके, सो एसएससी सीजीएल फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज डिविजनल अकाउंटेंट इन सीएजी। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसके लिए आपको 571 यूआर के कैंडिडेट को स्कोर करना चाहिए, तब जाके आपको ये पोस्ट मिल सकती है। ओबीसी के लिए 560 का स्कोर होगा, बेस्ट सीएजी के लिए। ओके, और एससी में बता दूं आपको 551 का स्कोर करना चाहिए यदि डिविजनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं सीएजी में। वहीं एसटी के भाई बंधुओं के लिए 541 और पीएच के कैंडिडेट के लिए 535 का स्कोर बहुत ही जबरदस्त शानदार और स्कोर आपका माना जाएगा। बात करते दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। दोस्तों यदि आप ये पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको यूआर में 578, वही ओबीसी के भाई बंधुओं को 569 का स्कोर करना चाहिए, एससी के लिए 560 और एसटी के लिए 550 का स्कोर सेफ एंड सिक्योर होगा। पीएच के लिए तो ये पोस्ट 545 नंबर पर ही अवेलेबल हो जाएगी, 98% एक्यूरेट। ओके, सो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और घंटी जरूर बजा ले। ओके, नेक्स्ट पोस्ट एज। और दोस्तों यदि कोई भाई बंधु आपका नवोदय, कोई मतलब कि आपका बच्चा है या शानदार मतलब कोई भाई बंधु है नवोदय में पढ़ता है, एग्जाम दे के आया है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसका भी पढ़ा है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है और यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होता है, कैंडिडेट के बीच में बहुत पसंद की जाती है। यूआर के लिए 540 का स्कोर सेफ सिक्योर माना जाएगा, सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट। ओके, वहीं ओबीसी के भाई बंधु यदि 531 का स्कोर कर रहे हैं तो 98% ये पोस्ट आपके लिए अवेलेबल होगी। वहीं एससी के लिए 519, एसटी के लिए 514 एंड पीएच की बता दूं 510 में ही पोस्ट आपको मिल सकती है टैक्स असिस्टेंट की। तो स्कोर आप हमसे जरूर शेयर करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई किसी न किसी तरीके से करेंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से करें या आपको कमेंट में ही रिप्लाई करें। ओके, नेक्स्ट पोस्ट है सिविक। नेक्स्ट पोस्ट सिविक के टैक्स असिस्टेंट यदि जो कोई बनने का ख्वाब देख रहा है तो उसे यूआर में कम से कम 532 का स्कोर करना चाहिए, वहीं अदर बैकवर्ड क्लास की बात करो तो 520 का, पीएच के लिए 492 में ये पोस्ट मिल जाएगी और एसटी के लिए 500 एंड एससी के लिए 509 का स्कोर सेफ सिक्योर माना जाएगा, 99% जेन्युइन। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इज अकाउंटेंट जीआरए की बात करता हूँ। तो सीजीए बनना चाहते हैं अकाउंटेंट जीआरए में तो दोस्तों आपको कम से कम यूआर में होते हुए 536 का स्कोर करना चाहिए और ओबीसी के लिए 527, एससी के लिए दोस्तों 520, वहीं एसटी के कैंडिडेट के लिए सिर्फ 510 का स्कोर सेफ एंड सिक्योर होगा। पीएच के लिए दोस्तों तो 503 में ही सिलेक्शन पक्का है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इज अकाउंटेंट जीआरए कमीशन। तो दोस्तों इस पोस्ट को यदि आप चाहते हैं तो ज्यादा नहीं, 3 नंबर कम ले आइए, 533 यूआरएम एंड ओबीसी के लिए 522 में सिलेक्शन पक्का है, एसटी के लिए फिक्स 500, 5 बार शतक लगाइए और पोस्ट ले जाइए अकाउंटेंट जीआरए कमीशन की। एससी के लिए 511, वहीं पीएच की बता दूं 494 में सिलेक्शन मिलना पक्का है। तो दोस्तों नेक्स्ट पोस्टेज। और दोस्तों ये वीडियो हो चुकी समाप्त, वीडियो कैसी लगे अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट कर दीजिएगा और अब शब्दों का यूज ना करिए भगवान के लिए। और एक चीज दो चीजें कहना चाहूंगा, नवोदय में यदि कोई आपके रिलेशन में है तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऊपर शेयर किया है क्योंकि आप लोग जानते हो 11 जनवरी आज के डेट में पेपर हुआ है तो उसके लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा और पूरे चैनल के सारे वीडियो देखिए और अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि मेरा जो चैनल है कैसा है, आपको कमेंट जरूर देना है और आपको 3500 जीके क्वेश्चन क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि 180 मिनट में 3500 क्वेश्चन कोई नहीं कवर कर सकता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक प्यारी सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।